Hello students, through this video now I am going to discuss about bubble sorting, right? So through this video I am going to discuss how we apply bubble sorting on the array elements to sort the data and also discuss the algorithm of bubble sorting. Clear? So here I take the example. मैंने यहाँ पे 5 elements की array consider किया है. नाउ आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास इनिशियली जो डेटा है एरे के अंदर का वो डेटा भी हमारा सॉर्टेड नहीं है. ओके अब हम यहाँ पे बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके एरे के डेटा को सॉर्ट करेंगे. ओके तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से बबल सॉर्टिंग हमारी वर्क करती है. बबल सॉर्टिंग मेजरली दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करती है. ओके और अगर वो दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स हमारे रॉन्ग ऑर्डर में होते हैं तो उनको उनके करेक्ट ऑर्डर में वो प्लेस्ड करती है. क्लियर? तो बबल सॉर्टिंग का बेसिकली प्रिंसिपल क्या है कि केवल ये हमारे एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करती है एंड उनको उनके करेक्ट पोजिशन पे प्लेस्ड करती है. राइट तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमारी बबल सॉर्टिंग वर्क करेगी. तो सबसे पहले हमारे पास में जिन एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन होगा, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड दैट कि बबल सॉर्टिंग हमारे एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करती है, तो कंपैरिजन हमारा स्टार्ट होता है जीरो इंडेक्सिंग से. नाउ सबसे पहले कि हमारे जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, जीरो इंडेक्सिंग और वन इंडेक्सिंग एलिमेंट में. ओके तो बबल सॉर्टिंग क्या करती है, पहले एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेगी. नाउ हम देखते हैं यहाँ पे 6 और 4 ये दोनों हमारे एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं. क्लियर? नाउ चेक कीजिए, क्या 4 हमारा 6 से लेस देन है? यस, 4 इज लेस देन 6. तो क्या ये दोनों हमारे पास में करेक्ट ऑर्डर में प्लेस्ड है? नो, फर्स्ट हमारे पास 4 आना चाहिए, देन हमारे पास 6 आना चाहिए. तो क्या हो जाएगा अगर रॉन्ग ऑर्डर में है, तो दोनों एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में स्वैपिंग अकर होगी. तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 6, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे. ओके तो अभी हम लोगों ने किसके बीच में कंपैरिजन किया था, जीरो इंडेक्सिंग और वन इंडेक्सिंग के एलिमेंट के बीच में. नाउ नेक्स्ट कंपैरिजन होगा वन इंडेक्सिंग और टू इंडेक्सिंग एलिमेंट के बीच में. ओके तो अब हम लोग चेक करेंगे 6 और 8 के बीच में कंपैरिजन होगा. अब आप चेक कीजिए क्या ये जो दो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं ये आपस में करेक्ट पोजिशन पे प्लेस्ड है? यस, 6 हमारा लेस देन है 8 से और 6 हमारा पहले अकर हो रहा है 8 से. इट मीन्स नो स्वैपिंग और जो रिजल्ट होगा वो हमारा एज इट इज आएगा. ओके देन हमारे पास में कंपैरिजन अगेन अकर होगा नेक्स्ट टू एडजेसेंट एलिमेंट विच इज सेकेंड इंडेक्सिंग एलिमेंट एंड थर्ड इंडेक्सिंग एलिमेंट के बीच में. ओके अगेन वी चेक दैट 8 और 3 ये दो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, बट यू कैन सी हियर 3 इज लेस देन 8, बट 3 क्या हो रहा है 8 के बाद में अकर हो रहा है. इट मीन्स ये दोनों हमारे रॉन्ग ऑर्डर में प्लेस्ड है, पहले 3 आना चाहिए बाद में हमारा 8 आना चाहिए. अगेन यहाँ पे स्वैपिंग अकर होगी और हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 4 6 3 8 2. ओके नाउ द नेक्स्ट टू एडजेसेंट एलिमेंट इज थर्ड इंडेक्सिंग एलिमेंट एंड फोर्थ इंडेक्सिंग एलिमेंट विच इज 8 और 2. ओके अगेन वी कैन सी दैट 2 इज लेस देन 8, बट 2 कहाँ पे अकर हो रहा है, 8 के बाद में. यानी कि अगेन ये दोनों हमारे रॉन्ग ऑर्डर प्लेस्ड है, इनको करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 पहले आना चाहिए 8 बाद में आना चाहिए. यानी कि फिर से इस स्टेप में स्वैपिंग अकर होगी एंड रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 4 6 3 2 8. राइट तो इस तरीके से ये जो हमने स्टेप फॉलो किया है इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, पास 1. क्लियर? तो पास 1 का हमारा ये रिजल्ट आया जब हमने फर्स्ट पास चलाया. आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने 0 1 इंडेक्सिंग के बीच में कंपैरिजन किया, देन हमने 1 और 2 इंडेक्सिंग के बीच में कंपैरिजन किया, देन हमने 2 और 3 इंडेक्सिंग के बीच में कंपैरिजन किया, देन हमने इंडेक्सिंग 3 और 4 इंडेक्सिंग के एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन किया. यानी कि हम हर बार क्या कर रहे हैं, आगे आगे मूव कर रहे हैं और टू नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं. ओके कंपैरिजन करने के बाद अगर दोनों एडजेसेंट एलिमेंट हमारे रॉन्ग ऑर्डर प्लेस्ड हैं तो हम उनको करेक्ट ऑर्डर में प्लेस्ड करते हैं यूजिंग स्वैपिंग. क्लियर? नाउ अब आपको सबसे जो मेजर थिंग है वो आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ, इन केस ऑफ बबल सॉर्टिंग जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ पासेस कंटिन्यू करेंगे, ओके हमेशा क्या होगा, एरे का जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अपनी पोजीशन पे जाके प्लेस्ड हो जाएगा. अगर आप देखें पास 1 में हमारे इस एरे एलिमेंट में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा था, 8,
तो आप देख सकते हैं 8 क्या हो रहा है, अपनी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड हो गया है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जब हम बबल सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो हर एक पास के बाद हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड हो जाए, मीन्स एक पास में एक एलिमेंट हमारा करेक्टली प्लेस्ड हो जाएगा। राइट, नाउ अब हम बात करते हैं पास 2 की। ओके, तो फिर से हमारे पास में जो फर्स्ट पास का जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, 46328। मैं इसको एज इट इज लिख लेती हूँ। ये हमारे पास नंबर था, ये अब हम किस पे काम करेंगे, जो हमें फर्स्ट पास का लास्ट में जो रिजल्ट मिला था, लास्ट में रिजल्ट क्या मिला है मुझे, 46328। ओके, अब मैं इसी के ऊपर कंपेरिजन स्टार्ट करूंगी। नाउ फिर से हम लोग कैसे कंपेरिजन करेंगे, सबसे पहले 4 और 6 के बीच में कंपेरिजन होगा। अगर आप देख सकते हैं तो 4 लेस देन 6 है और 4 6 से पहले अगर हो रहा है, इट मीन्स कोई स्वैपिंग अगर नहीं होगी और हमारे पास में एज इट इज आंसर आएगा 46328। राइट, देन हमारे पास में कंपेरिजन अगर होगा 6 और 3 के बीच में। नाउ अब आप यहाँ पे देखिए, 3 हमारा लेस देन है 6 से, बट 3 हमारा 6 के बाद में अकर हो रहा है, इट मीन्स स्वैपिंग यहाँ पे अकर होगी और जो रिजल्ट हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, 4, 3, 6, 2 एंड 8। राइट, अगेन 6 और 2 के बीच में हमारे पास में कंपेरिजन अकर होगा। नाउ अगेन यू कैन सी दैट 2 इज लेस देन 6, राइट, तो 2 को पहले आना चाहिए, 6 को बाद में आना चाहिए, मीन्स हमारी स्वैपिंग अकर होगी और जो रिजल्ट हमारा आएगा वो आएगा 4, 3, 2, 6 एंड 8। ओके, एंड एट लास्ट 6 एंड 8 के बीच में हमारे पास कंपेरिजन अकर होगा, बट दिस टाइम दोनों जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं वो करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड है, यानी कि हमें अब क्या करना है, स्वैपिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और हमारे पास में रिजल्ट क्या आ गया, 4, 3, 2, 6, 8। सो दिस इज द पास 2। और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हर एक पास के बाद एक एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, मीन्स वो अपने करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड हो जाएगा। तो अगर आप देखें इस पूरे एलिमेंट में जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो है 6, तो यानी कि आफ्टर पास 2 6 भी क्या हो रहा है, हमारे करेक्ट पोजीशन पे जाके प्लेस्ड हो रहा है, इट मीन्स हर एक पास के बाद एक एलिमेंट हमारा कम्प्लीटली सॉर्ट हो जाता है। पास 1 में 8 हमारा सॉर्ट हो गया था, पास 2 में 6, यानी कि जब सेकेंड पास आए तो 2 एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट हो चुके हैं, फर्स्ट पास में फर्स्ट एलिमेंट हमारा सिंगल एलिमेंट सॉर्ट हुआ था विच इज 8। ओके, नाउ अगेन अगर मैं यहाँ पे पास 3 की बात करूं, सो इन केस ऑफ पास 3, सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, हमें पास 2 का जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, मैं फिर से आपके सामने ऊपर लिखती हूँ पास 2 का रिजल्ट। द रिजल्ट ऑफ पास 2 इज 4, 3, 2, 6 एंड 8। ओके, फिर से हम लोग सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। नाउ 4 और 3 को जब मैं आपस में कंपेयर कर रही हूँ, सो दिस टाइम 3 इज लेस देन 4, राइट, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 4 के बाद में अकर हो रहा है, इट मीन्स स्वैपिंग टेक्स प्लेस होगी यहाँ पे और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3, 4, 2, 6 एंड 8। ओके, नाउ द नेक्स्ट 2 एलिमेंट इज 4 एंड 2, राइट, अगेन हियर यू कैन सी दैट 2 इज लेस देन 4, बट 2 4 के बाद में अकर हो रहा है, अगेन स्वैपिंग अकर होगी और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3, 2, 4, 6 एंड 8। ओके, देन कंपेरिजन टेक्स प्लेस होगा 4 और 6 के बीच में, देन हेयर यू कैन सी दैट नो मोर स्वैपिंग, वाई, बिकॉज 4 इज लेस देन 6 एंड 4 6 के पहले अकर हो रहा है, सो एज इट इज रिजल्ट रहेगा 3, 2, 4, 6 एंड 8, एंड द लास्ट कंपेरिजन इज बिटवीन 6 एंड 8, एंड अगेन नो मोर स्वैपिंग, वाई, बिकॉज 6 इज लेस देन 8 एंड 6 अकर बिफोर 8। ओके, सो द रिजल्ट ऑफ पास 3 इज 3, 2, 4, 6, 8। क्लियर, अगेन यू कैन सी दैट जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है इस पूरे एरे एलिमेंट का वो है 4, एंड 4 भी अपनी पोजीशन पे जाके प्लेस्ड हो गया है। ओके, तो मतलब मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ, हर एक पास के बाद जो हमारा पास नंबर चल रहा है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट भी हमारे सॉर्ट होते जा रहे हैं। अगर मैं पास 3 की बात कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, 3 एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट हो गए, अगर मैं पास 2 की बात कर रही हूँ तो लास्ट 2 एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट हो चुके हैं। ओके, नाउ अगेन इन केस ऑफ पास 4, अगेन थर्ड पास का मुझे रिजल्ट क्या मिला है, 3, 2, 4, 6 एंड 8। क्लियर,
फिर से हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. नाउ दिस टाइम 3 और 2 के बीच में पहले हम लोग कंपैरिजन करेंगे. नाउ हियर यू कैन सी दैट 2 इज लेस देन 3, बट 2 3 के बाद में कर हो रहा है. इट मींस स्वैपिंग टेक्स प्लेस होगी और क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, 2 3 4 6 एंड 8, राइट. द नेक्स्ट कंपैरिजन इज बिटवीन 3 एंड 4, नो मोर स्वैपिंग एंड द रिजल्ट इज 2 3 4 6 8, राइट. द नेक्स्ट कंपैरिजन इज बिटवीन 4 एंड 6 एंड यू कैन सी दैट नो मोर स्वैपिंग एंड द रिजल्ट इज 2 3 4 6 एंड 8. एंड द लास्ट कंपैरिजन इज बिटवीन 6 एंड 8, अगेन यू कैन सी दैट नो मोर स्वैपिंग. व्हाई? बिकॉज 6 इज लेस देन 8 एंड 6 अकर्स बिफोर 8, सो नो मोर स्वैपिंग एंड द रिजल्ट इज 2 3 4 6 एंड 8, ओके. एंड इन केस ऑफ पास 4 आप देख सकते हैं 4 के 4 एलिमेंट्स हमारे क्या हो चुके हैं, सॉल्ट हो चुके हैं. तो अगर मान लीजिए हमारे एरे में 5 एलिमेंट्स हैं एंड मैं बोल रही हूँ कि 4 एलिमेंट ऑलरेडी हमारे सॉल्ट हो चुके हैं, इट मींस जो रेस्ट एक सिंगल एलिमेंट है वो हमारा क्या है, सॉल्टेड ही माना जाएगा, ओके. तो अगर हम बात करें बबल सॉल्टिंग की, तो अगर मेरे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 थे तो कितने पासिस में मेरा डेटा एलिमेंट सॉल्ट हो गया, एन माइनस 1 पासिस में, राइट. यानी कि इन केस ऑफ बबल सॉर्टिंग हमारे पास में क्या होता है, अगर मेरे पास में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ पासेस चलाने पड़ेंगे, n माइनस 1, राइट. n माइनस 1 पासेस में हम अपने एरे एलिमेंट्स के डेटा को कम्प्लीटली सॉर्ट कर सकते हैं, ओके. पास 4 में हमारा डेटा कम्प्लीटली सॉर्ट क्यों गया, बिकॉज अगर 4 डेटा हमारे सॉर्टेड हो चुके हैं तो रेस्ट कौन सा डेटा बचा, 1 सिंगल, यानी कि 1 सिंगल हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड माना जाएगा, क्योंकि जब 4 अपनी पोजीशन पे है तो 5वां बाय डिफॉल्ट अपनी पोजीशन पे ही होगा, ओके. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हर एक सिंगल पास के बाद हमारा 1 एलिमेंट सॉर्टेड माना जाता है. पास 1 में आप देख सकते हैं 8 अपनी पोजीशन पे आ चुका था, पास 2 पे 6 और 8 2 एलिमेंट्स आ चुके हैं, पास 3 पे 4 6 8 3 एलिमेंट्स हमारे करेक्टली सॉर्टेड हो चुके हैं, एंड इन केस ऑफ पास 4 4 एलिमेंट्स, ओके. एंड बाय डिफॉल्ट 2 हमारा फिर क्या माना जाएगा, सॉर्टेड, क्योंकि आपको पता है अगर 4 चीज अपनी करेक्ट पोजीशन पे है तो 5वीं तो फिर अपनी पोजीशन पे ही करेक्ट मानी जाती है, ओके. सो इन केस ऑफ बबल सॉर्टिंग टोटल नंबर ऑफ पासेस हमारे एन माइनस 1 चलेंगे, राइट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एल्गोरिथम फॉर बबल सॉर्ट. ओके, सो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमने यहाँ पे दो चीजें की हैं. एक तो हमें पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ पासेस हमें रन करने हैं उस पर्टिकुलर डेटा को सॉर्ट करने के लिए, ओके. एंड सेकंड थिंग हमें क्या करना है, कंपैरिजन, कि कितने टाइम्स हमें अपने कंपैरिजन्स रन कराने हैं, राइट. तो यहाँ पे हम दो लूप्स लेके चलेंगे. फर्स्ट लूप हमारा पासेस काउंट करेगा एंड सेकेंड लूप हमारा नंबर ऑफ कंपेरिजन्स को काउंट करेगा, राइट. सो आई विल टेक टू लूप्स. The outer loop is for passes. तो क्या हो जाएगा हमारा, for i is equals to 0, i less than n minus 1, i plus plus, right? So that this loop is for passes. अब आप वो सोच रहे होंगे कि यहां पे मैम ने i less than n minus 1 क्यों consider किया है, okay? तो अगर आप एक इस example में देखें, suppose मेरे पास में number of elements कितने थे, 5, okay? तो अगर मैं इस लूप की बात करूं, i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5 माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 4, ओके. तो ये लूप कितने काम टाइम चल रहा है मेरा, 0 1 2 3, राइट. तो अगर आप बेटा यहाँ पे पासिस की बात करें, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 पास 1 हमारा रन करेगा, फॉर i इज इक्वल्स टू 1 पास 2 हमारा रन करेगा, फॉर i इज इक्वल्स टू 2 पास 3, एंड फॉर आई इज इक्वल्स टू 4 पास 4. इज इट क्लियर? इसीलिए मैंने यहाँ पे ले रखा है आई लेस देन एन माइनस 1. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसका भी माइनस 1 उतने टाइम्स हमारे पासेस रन करेंगे, ओके. देन तो ये आउटर लूप तो हो गया हमारे नंबर ऑफ पासेस के लिए. आपको शायद पता चल गया होगा व्हाई आई एम टेकिंग आई लेस देन एन माइनस 1, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं नंबर एन की वैल्यू मेरी कितनी है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, आई लेस देन एन माइनस 1 विच बिकम्स 4. तो ये लूप कितने टाइम चल रहा है, 0 1 2 एंड 3. तो क्यों हमारा 0 1 आई एम सॉरी दिस इज 3. तो क्यों हमारा लूप 0 1 2 3 चल रहा है, बिकॉज फॉर आई इक्वल टू 0 पास 1 रन करेगा, फॉर आई इक्वल्स टू 1 पास 2 रन करेगा, फॉर आई इक्वल्स टू 2 पास 3, एंड फॉर आई इक्वल्स टू 3 पास 4. यानी कि हमें आई का लूप कितने बार चलाना है, ओनली 0 1 2 एंड 3, 4 टाइम्स, ओके.
नाउ सेकेंड जो हमारा लूप कंसिडर होगा वो हमारा लूप होगा फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन. तो हमारी वैल्यू होगी फॉर j इक्वल्स टू जीरो, j लेस देन n माइनस i माइनस वन, j प्लस प्लस. इसको भी मैं आपको बाद में समझाती हूँ एग्जाम्पल से. देन हम लोग क्या करते हैं, दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करा रहे हैं. यानी कि क्या करा रहे हैं, a ऑफ j इफ अगर a ऑफ j की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे, a ऑफ j प्लस वन से. यानी कि a ऑफ j मतलब जो पहले एलिमेंट अकर हो रहा है अगर वो ग्रेटर देन होगा उसके नेक्स्ट एलिमेंट से, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग टेक्स प्लेस होगी हमारी. तो क्या हो जाएगा, टेम्पररी में हमारी a ऑफ j की वैल्यू आ जाएगी, a ऑफ j में हमारी a ऑफ j प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी, एंड a ऑफ j प्लस वन में हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, अगेन टेम्प. ओके, देन हमारा इफ क्लोज होगा, हमारा इनर फॉर लूप एंड हमारा आउटर फॉर लूप क्लोज हो जाएगा. सो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर बबल सॉर्ट. तो मैं आपको फिर से बता दूं, जो मैंने यहाँ पे आउटर लूप आपके सामने चलाया है, दिस आउटर लूप इज ओनली फॉर काउंट द नंबर ऑफ पासेस, ठीक है. एंड जो इनर लूप मैंने चलाया ये किसके लिए चलाया, हमारा फॉर कंपेरिजन, राइट. एंड बाद में हम लोग करते क्या है, केवल हम लोग दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कराते हैं, है ना. हम लोग आपस में चेक करते हैं कि जो हमारे एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं उनको, उनके बीच हम लोग कंपेरिजन कराते हैं. अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी देन क्या होता है, हमारे पास में स्वैपिंग टेक्स प्लेस होती है. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में कंपेरिजन कर रहे हैं. या आई कैन राइट दैट चेक एडजेसेंट एलिमेंट्स, ओके, एंड हेयर स्वैपिंग टेक्स प्लेस. बस यही स्टेप हम लोग कर रहे हैं आई थिंक बबल सॉल्ट में, ठीक है. अब बात आती है कि कैसे हमारी एल्गोरिथम वर्क कर रही है, ओके. तो अभी मैंने आपके सामने जो एग्जांपल कंसीडर किया है, मैं उसी एग्जांपल को फिर से आपके सामने इस एल्गोरिथम के थ्रू डिस्कस करती हूँ, राइट. तो अगर मैं पास वन की बात करूं, तो अभी मेरे पास क्या हो रहा है, आई इक्वल टू जीरो. सबसे पहले मेरे आई की वैल्यू जीरो होगी, राइट. तो जब हम आई इक्वल टू जीरो कर रहे हैं तो आई इक्वल टू जीरो पे कौन सा हमारा पास रन होगा, पास वन, ठीक है. अब हम पास वन को देखते हैं. नेक्स्ट है कंपैरिजन, हमारे कितने टाइम चल रहे हैं, जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन माइनस आई माइनस वन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आई एम टेकिंग हेयर आई माइनस वन, मैंने यहाँ पे आई को सब्ट्रैक्ट क्यों कराया है. तो अगर आप यहाँ पे एक देखें, मैंने आपसे बोला था कि हर एक पास के बाद हमारा एक एलिमेंट सॉल्ट हो जाता है, राइट. तो अगर मैं पास वन की बात करूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, एट हमारा जो एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, आपस में सॉल्ट हो जा रहा है, राइट. तो हमारे पास में जीरो पास में देखा जाए तो कितने कंपैरिजन है, सारे कंपैरिजन से हैं. अगर आप देखें तो वन टू थ्री एंड फोर, फोर के फोर कंपैरिजन से इन केस ऑफ आई इक्वल टू जीरो. तो जब मेरी आई की वैल्यू जीरो होगी तो नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने हो रहे थे मेरे, फोर, क्योंकि एन माइनस वन कितना हो जाएगा हमारा, फोर. और लूप कितने टाइम चलेगा, जीरो वन टू एंड थ्री, फोर टाइम चलेगा. तो यानी कि आई इक्वल टू जीरो पे हमारे नंबर ऑफ कंपेरिजन भी फोर हो रहे हैं. बट अगर मैं आई इक्वल टू वन की बात करूं, ओके, आई इक्वल टू वन पे हम चेक करते हैं हमारे कितने नंबर ऑफ कंपेरिजन हो रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपके सामने नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने किए, वन टू थ्री एंड फोर, राइट. लेकिन अगर आप बताएं मुझे, क्या यहाँ पे हमारे फोर कंपेरिजन रिक्वायर्ड हैं या फिर ओनली थ्री कंपेरिजन रिक्वायर्ड हैं? लेट मी चेक. जब मैं आपसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि पास वन में मेरा एक एलिमेंट आपस में सॉल्ट हो चुका है, ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे फोर और सिक्स, सिक्स और थ्री, सिक्स और टू, ये तो पासेस रिक्वायर्ड थे, बट क्या सिक्स और एट के बीच में कंपेरिजन रिक्वायर्ड था? नो. वाई? बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि एट मेरा क्या है, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है जो मेरा पास वन में ही अपनी करेक्ट पोजीशन पे जाके सॉल्ट हो चुका है. तो अगर मैं सिक्स को एट से ना भी कंपेयर कराऊं तो भी मेरा रिजल्ट करेक्ट ही आएगा. व्हाई? बिकॉज ये मेरा एक अननेसेसरी का कंपैरिजन है जो कि केवल और केवल हमारे कंप्यूटर का टाइम ले रहा है. क्यों?
बिकॉज 6 अगर मेरा यहाँ पे आ चुका है तो 6 के बाद लास्ट एलिमेंट क्या है 8, और मुझे पता है कि हर पास वन में हमेशा लास्ट से हमारा एलिमेंट क्या होता है सॉल्ट होता जाता है, तो पास वन में ऑलरेडी हमारा 8 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका था, तो 6 को अगर मैं 8 से कंपेयर करा भी लूंगी स्टिल कोई स्वैपिंग अकर नहीं होगी। ओके तो जब हमें पता है कि स्वैपिंग नहीं होनी है तो हम कंपेरिजन क्यों कराएं, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि बबल सॉल्टिंग में हर एक पास के बाद जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो अपनी पोजीशन पे जाके प्लेस्ड हो चुका होता है, सॉर्ट हो चुका होता है, राइट। सो अगर मैं आई इक्वल टू वन की पास की बात करूं तो ये पास तो मैंने बिल्कुल अननेसेसरी का काउंट किया है, क्योंकि इसको अगर मैं नहीं भी करूंगी तो भी मेरा रिजल्ट आएगा। वाई? बिकॉज मुझे पता है कि 6 के बाद जो लास्ट एलिमेंट है 8, वो 8 हमारा क्या है ऑलरेडी सॉर्टेड है, मीन्स 6 8 से कभी भी इंटरचेंज नहीं होगा। ओके तो जब स्वैपिंग ही नहीं होना है, ऑलरेडी हमें रिजल्ट पता है, तो हम वहां पे कंपैरिजन क्यों करें। तो अगर आप चेक करें आई इक्वल टू वन में रिक्वायर्ड कंपैरिजन कितने थे 1, 2 एंड 3, ठीक है। और अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं कि जब आई की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी एन माइनस वन माइनस वन, तो कितना हो जाएगा एन कितना है 5, 5 माइनस 1 4 एंड 4 माइनस 1 3। ओके तो ये लूप कितने टाइम चलेगा 0, 1 एंड 2, यानी कितने नंबर ऑफ कंपेरिजन रिक्वायर्ड है ओनली 3, और आपके सामने क्वेश्चन में भी कितने नंबर ऑफ कंपेरिजन रिक्वायर्ड है ओनली 3। ये अननेसेसरी का कंपेरिजन है, बिकॉज अगर मैं लास्ट एलिमेंट के साथ में कंपेयर करा रही हूँ तो कभी भी स्वैपिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि पास वन में जो लास्ट एलिमेंट था वो हमारा सॉर्टेड हो चुका है। ओके और हर एक पास के बाद जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे सॉर्टेड होते जाएंगे उतने नंबर ऑफ कंपेरिजन मेरे डिक्रीज होते जाएंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं आई की वैल्यू जितनी जितनी इंक्रीज होगी, देखो अगर मैं बात करूं आई इक्वल टू वन तो एक कंपेरिजन मेरा क्या हो रहा है कम हो जा रहा है, तो जितने आई की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी नंबर ऑफ कंपेरिजन हमारे कम होंगे। आई इक्वल टू टू की अगर मैं बात करती हूँ तो अब 2 कंपेरिजन हमारे कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि पास वन में हमारा एक एलिमेंट ऑलरेडी सॉल्ट हो चुका था जाके, पास टू में हमारे नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं सॉल्ट हो चुके हैं, राइट। इट मीन्स इन केस ऑफ पास 3 केवल हमें 2 ही नेसेसरी कंपेरिजन रिक्वायर्ड है, दिस वन एंड दिस वन। ओके यहाँ पे जो मैंने 4 को 6 से कंपेयर किया है ये मैंने एक अननेसेसरी कंपेरिजन किया है, वाई, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि प्रीवियस 2 पासेस में 6 और 8 मेरे क्या हो चुके हैं सॉर्टेड हो चुके हैं, तो अगर मैं 4 को 6 से कंपेयर नहीं भी कराती स्टिल मेरा काम बन जाता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 4 को 6 से कंपेयर करा भी रही हूँ तब भी क्या हो जाएगा कभी इनके बीच में स्वैपिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी, वाई, बिकॉज पास 2 में 6 हमारा ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। ओके तो कहने का मतलब सिर्फ आपसे इतना है कि जितनी आई की वैल्यू इंक्रीज होगी उतने ही नंबर ऑफ कंपेरिजन कम हो जाएंगे। अगर मैं आई इक्वल टू 2 की बात कर रही हूँ तो लास्ट के 2 कंपेरिजन हमारे कम पड़ेंगे, तो केवल कितने कंपेरिजन रिक्वायर्ड होंगे ओनली 2। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अगर आई की वैल्यू 2 हो गई देन 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 1 2, तो लूप केवल 0, 1, 2 कंपेरिजन की रिक्वायरमेंट होगी, और हमारे पास में भी 1 एंड 2 2 कंपेरिजन की रिक्वायरमेंट है। ओके बिकॉज हमें पता है कि लास्ट के जो 2 एलिमेंट्स है वो हमारे क्या हो चुके हैं सॉर्ट हो चुके हैं, और सॉर्टेड डेटा के साथ दोबारा कंपेरिजन करना इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो तो डेटा अपने पोजिशन पे करेक्टली प्लेस्ड है। ओके तो उनके साथ अगर मैं कंपेरिजन करती भी हूँ स्टिल हमारे बीच में कोई भी स्वैपिंग टेक्स प्लेस नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मैं आई इक्वल टू 3 की बात करूं, अब 3 आई की वैल्यू क्या हो रही है 3, इट मीन्स 3 कंपेरिजन हमने यहाँ पे नहीं करने, केवल कितने कंपेरिजन में बचा 1, तो लास्ट की जो 3 कंपेरिजन है वो हमारे रिक्वायर्ड नहीं है। अब क्यों नहीं रिक्वायर्ड है, बिकॉज आपको पता है आई इक्वल टू 2 में जाके 3 एलिमेंट्स लास्ट के 3 एलिमेंट्स हमारे ऑलरेडी क्या हो चुके हैं सॉर्टेड हो चुके हैं, इट मीन्स कंपेरिजन केवल किसके बीच में करना चाहिए था ओनली 3 एंड 2 के बीच में, बाकी ये तो तीनों एलिमेंट्स हमारे प्लेस्ड हैं अपनी पोजीशन पे। अगर इनके बीच में मैं कंपैरिजन करती भी हूँ फिर भी मैं इनको इनकी पोजीशन से इंटरचेंज नहीं करूंगी, वाई, बिकॉज 4, 6, 8 तो ऑलरेडी हमारे सॉल्ट हो चुके हैं इन द प्रीवियस स्टेप में। ओके तो जैसे जैसे हमारी आई की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ कंपेरिजन कम होते जाते हैं, और क्यों कम होते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ बबल सॉल्टिंग हर एक सिंगल पास के बाद हमारा एक एलिमेंट क्या होता है सॉल्ट होता है, पास 1 में 1 एलिमेंट, पास 2 में 2 एलिमेंट, पास 3 में 3 एलिमेंट, और आप देख भी सकते हैं पास 1 में 1 एलिमेंट, पास 2 में 6 एंड 8, पास 3 में 4, 6, 8, तो मतलब जैसे जैसे पासेस इंक्रीज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे सॉल्ट होते जाते हैं, और जब एलिमेंट सॉल्ट होते जा रहे हैं मीन्स उतने ही कंपेरिजन हमारे डिक्रीज होते जा रहे हैं। ओके सो आई थिंक
फिर तो हम लोग का कोई कंसेप्ट है नहीं। अब हम क्या करते हैं, ए ऑफ जी और ए ऑफ जी प्लस वन में आपस में एडजेसेंट एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। तो मैं आपको फर्स्ट टाइम आपको दिखा देती हूँ, जब जे की वैल्यू जीरो थी ओके, और सपोज कीजिए आई की वैल्यू भी जीरो थी, तो ये कंडीशन मैं एक बार आपको रन करा के बता देती हूँ वर्क कैसे कर रहा है। जब जे की वैल्यू जीरो है और यहाँ पे मान लीजिए आई की वैल्यू भी जीरो है, पास वन की मैं बात कर रही हूँ, तो उस केस में ये लूप मेरा क्या बन जाएगा, जे लेस देन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे लेस देन हो जाएगा 5 माइनस जीरो माइनस वन, इट मीन्स 4 ओके। तो अभी जे की वैल्यू जीरो है और जीरो लेस देन 4 है, कंडीशन हमारी ट्रू है। अब हम अंदर आएंगे, क्या ए ऑफ जे की वैल्यू ग्रेटर देन है ए ऑफ जे प्लस वन, तो जे अभी कितना है मेरा जीरो है, तो चेक करो क्या ए ऑफ जीरो की वैल्यू ग्रेटर देन है ए ऑफ वन से। तो अगर मैं पास वन की बात करूं तो ए ऑफ जीरो पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन है ए ऑफ वन से, कंडीशन मेरी ट्रू थी। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वैपिंग अगर करा रहे थे, और आप देख सकते हैं 4 और 6 के बीच में मैंने क्या किया था, स्वैपिंग की थी ओके। देन नेक्स्ट टाइम स्वैपिंग के बाद, अभी जब तक हमारा इनर लूप टर्मिनेट नहीं होगा तब तक हम लूप से बाहर नहीं आएंगे, फिर से मैंने क्या किया था, जे की वैल्यू को 1 किया। नाउ फिर से चेक करो क्या 1 इज लेस देन 4, अगेन कंडीशन इज ट्रू। अब हम चेक करेंगे क्या ए ऑफ 1 पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है ए ऑफ 2 से, लेट मी चेक, ए ऑफ 1 पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन है ए ऑफ 2 से, नहीं है ग्रेटर देन, तो हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आप देख भी सकते हैं मैंने बाद में 6 और 8 को आपस में स्वैप्ड नहीं किया था, बिकॉज मेरी पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई थी ओके। देन जे की वैल्यू मेरी कितनी हो गई नेक्स्ट टाइम पे, 2 हो गई, अभी भी 2 इज लेस देन 4, कंडीशन मेरी ट्रू है। फिर से हम कंपेरिजन करेंगे क्या ए ऑफ 2 पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है ए ऑफ 3 से, सो लेट मी चेक, ए ऑफ 2 पे वैल्यू क्या है 8, ए ऑफ 3 पे वैल्यू क्या है 3, 8 और 3, यस कंडीशन हमारी ट्रू है इस टाइम पे। जैसी ट्रू कंडीशन होगी तो इफ के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, स्वैपिंग टेक्स प्लेस होगी, और आप देख सकते हैं 3 आ गया हमारी 8 की पोजीशन पे, 8 आ गया हमारी 3 की पोजीशन पे ओके। नाउ द नेक्स्ट टाइम इज जे हमारा 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 4, अगेन कंडीशन इज ट्रू, ए ऑफ 3 पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन है ए ऑफ 4 से, लेट मी चेक, ए ऑफ 3 पे वैल्यू है 8, ए ऑफ 4 पे वैल्यू है 2, अगेन कंडीशन हमारी ट्रू है। जैसी हमारी इफ कंडीशन ट्रू होती है स्वैपिंग टेक्स प्लेस होता है, एंड आप देख सकते हैं आफ्टर स्वैपिंग 2 8 की पोजीशन पे आ गया, 8 हमारा 2 की पोजीशन पे आ गया। एंड व्हेन जे इज इक्वल्स टू 4, क्या 4 इज लेस देन 4 है, यहाँ पे हमारे लूप टर्मिनेट हो जाएगा इनर लूप, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पास 1। उसके बाद फिर से हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी 1, और हम स्विच कर जाएंगे अपने नेक्स्ट पास में। तो इस तरीके से फिर से सेम प्रोसीजर हमारा कंटिन्यू होगा नंबर ऑफ कंपेरिजन के अकॉर्डिंग ओके। तो इस तरीके से हमारी बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वर्क करती है। तो मैं एक बार आपको फिर से समराइज कर दूं कि बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम में फर्स्ट थिंग कि हम लोग हमेशा एडजेसेंट एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं राइट। अगर वो दोनों एलिमेंट्स हमारे करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड नहीं होते देन हम उनके बीच में सॉर्टिंग स्वैपिंग अप्लाई करते हैं और उनको उनकी करेक्ट पोजीशन पे प्लेस्ड करते हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमेशा उससे एक कम नंबर ऑफ पासेस चलेंगे, यानी कि फॉर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पासेस चलते हैं हमारे एन माइनस वन राइट। द थर्ड थिंग इज दैट हर एक पास के बाद हमारा एक जो एलिमेंट होगा वो अपनी पोजीशन पे सॉल्ट हो जाएगा, और कौन सा एलिमेंट सॉल्ट होता है, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, यानी कि इस पूरे एलिमेंट में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो है 8, यानी कि पास 1 में हमारा 8 अपनी पोजीशन पे सॉल्ट हो गया, पास 2 में हमारे कितने एलिमेंट सॉल्ट होंगे 2, यानी कि नंबर ऑफ पासेस बताते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सॉल्ट हो जाएंगे। पास 1 1 सिंगल एलिमेंट सॉल्ट होगा, पास 2 2 एलिमेंट सॉल्ट होंगे, पास 3 3 एलिमेंट सॉल्ट होंगे, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सॉल्ट होते जा रहे हैं उतने ही हमारे कंपेरिजन कम होते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सॉल्ट हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे नंबर ऑफ पासेस पे। इज इट क्लियर ओके। 3 पास में 3 एलिमेंट सॉल्ट हो रहे हैं, 2 पास में 2 एलिमेंट्स, और जो चीज सॉल्ट होती जा रही है उनके साथ हमें कंपैरिजन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है राइट। नाउ अगेन इन केस ऑफ एल्गोरिथम हम लोग कितने लूप चलाएंगे, 2 लूप चलाएंगे। द फर्स्ट लूप इज फॉर पासिस, क्योंकि हम आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने लेस देन एन माइनस वन रखा है। अगर मैं यहाँ पे आई इक्वल टू 1 पास से स्टार्ट करती तो मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू कर देती एन माइनस वन ठीक है। सेकेंड थिंग कंपेरिजन, मैंने आपको बता दिया वाई आई एम टेकिंग हेयर आई माइनस वन, मैंने यहाँ पे आई को सब्ट्रैक्ट क्यों किया है तो मैं आपको फिर से बता दूं, जब हमारे पास में आई इक्वल टू 0 की वैल्यू थी उस केस में क्या हो रहा था, एक भी हमारे पास में एलिमेंट सॉल्ट नहीं था
राइट right? तो हमारे पास में रिक्वायर्ड कंपैरिजन कितने चल रहे थे, 4 टाइम्स चल रहे थे। तो हमारे पास में जब जीरो के केस में सारे हमने एलिमेंट्स कंपैरिजन किए था, बट जब आई इक्वल टू 1 हो गया था उस केस में क्या हुआ था हमारा कि एक एलिमेंट हमारा ऑलरेडी क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। जो चीज सॉर्ट हो चुकी है उसके साथ हमें कंपैरिजन नहीं करना है। ओके तो जब हमने आई इक्वल्स टू 1 कर दिया है, इट मीन्स अब हमें 8 के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। तो ये जो हमारा कंपैरिजन हमने लास्ट में शो किया, ये हम नहीं शो करेंगे। वाई? बिकॉज हम कंपैरिजन कर भी लें, क्योंकि 8 हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उनके बीच में कभी भी इंटरचेंज वो पोजिशन नहीं होगी। सिमिलरली अगर मैं आई इक्वल टू 2 की बात करूं, तो लास्ट 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी हमारे सॉर्टेड हो चुके हैं। जो चीज सॉर्टेड है उनके साथ अगर मैं कंपेरिजन करूंगी भी, स्टिल हमारे पास में कोई स्वैपिंग नहीं होगी। मीन्स 4 और 6 और 6 और 8 के बीच में जो मैंने कंपेरिजन शो किया है, अगर मैं यहाँ पे नहीं भी करूंगी, स्टिल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होगा। बिकॉज 6 और 8 तो ऑलरेडी हमारे सॉर्टेड डेटा है। सॉर्टेड डेटा के साथ में अगर मैं कभी भी एलिमेंट को कंपेयर करूंगी, तो भी उनके बीच में पोजीशन इंटरचेंज नहीं होगी। ओके सो दिस इज द वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम एंड द एल्गोरिथम फॉर बबल सॉर्टिंग। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, थ्रू दिस वीडियो नाउ यू आर एबल टू लर्न वॉट इज बबल सॉर्ट, हाउ वी अप्लाई बबल सॉर्ट ऑन एरे एलिमेंट्स टू सॉर्ट द डेटा एंड द एल्गोरिथम फॉर बबल सॉर्टिंग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।